नमस्ते दोस्तों, केम छो मजा मा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा कॉप्सकॉम का प्लांट, इसे मुर्गा फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो मुर्गे की ऊपर जो कलगी आती है उसकी तरह रहते हैं, इसीलिए इसको मुर्गा फ्लावर भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस प्लांट को कैसे लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, इसको कैसे सॉइल में ग्रो करना चाहिए ताकि हमारा प्लांट एकदम हेल्दी बढ़े, तो इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इसको अच्छी मिट्टी में लगाने के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। ये अच्छी मिट्टी में लगाने के फ़ायदे ये है कि आपका प्लांट एकदम हेल्दी और ज़्यादा ब्रांच निकलेगी। देखिए इस तरह से बिना पिंचिंग, ये देखिए यहाँ दिख रहे हो, और ये लगभग रिपोर्टिंग के बाद 15-20 दिन का ही अपडेट है। छोटा सा प्लांट मैंने रिपोर्ट किया था। तो सबसे पहले बात कि इसको ग्रो कैसे करते हैं, तो इसको आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो, और सीड से भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इसके छोटे छोटे प्लांट निकल के आते हैं। ये देखिए यहाँ ये बाल्टी में मैंने जो साइप्रस वाइन लगाए थे उसके साथ मैंने ये कॉप्सकॉम का भी सीड डाले थे। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये जो निकल के आए छोटे छोटे, ये इसके सीड है। देखिए ये छोटे छोटे प्लांट निकल के आए हैं जो सीड डाले थे उससे। तो अब हमें इसको रिपोर्ट करना है। तो किस तरह हम इसको रिपोर्ट करेंगे, कैसे मिट्टी बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो अगर आपके पास पुराने गमले की मिट्टी पड़ी है जो उसमें पुराना प्लांट लगा हुआ था ऑलरेडी, और वो मिट्टी आपने निकाल के रखी है, तो उसमें आप इसको प्लांट को लगाओगे तो बहुत ही बेस्ट है इसके लिए। नई मिट्टी बनाने जाओगे तो नई मिट्टी में आपको बताऊँ तो गार्डन सॉइल लीजिए आप, लगभग 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% रेत मिला दीजिए, और राइस हस्क है आपके पास तो 10-15% राइस हस्क मिलाइए, और 10-15% इसमें खाद मिलाइए, गोबर की खाद हो, किचन वेस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट, जो भी यूज़ करते हो आप वो मिला सकते हो। इससे क्या है कि एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार होगी। और मैंने जो लगाया था वो मेरे पुराने गमले की मिट्टी थी जिसमें ऑलरेडी मिट्टी पड़ी हुई थी, इसमें राइस हस्क मिला के मैंने लगा दिया। तो अब प्लांट को हमें जो सीडलिंग की है उसको निकालना किस तरह है, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। देखिए ये है यहाँ पर, ये सीडलिंग है, तो ऐसे धीरे से ऐसे हाथ से खींचोगे तो इस तरह निकल आते हैं। ये देखिए कल मैंने बहुत सारे प्लांट भी इसके रिपोर्ट किए हैं। तो इसको निकालने के बाद क्या करना है हमें, ये देखिए यहाँ पे मैंने रिपोर्ट किया, ये कल रिपोर्ट किया था शाम को, और अभी ये प्लांट लेके आया। तो ये जो मटका है मेरा पुराना, उसी में मैंने लगाए थे। देखिए तो बारिश हो रही है तो जल्दी से ये पकड़ लेते हैं, जड़ सेट हो जाती है इसकी। तो इस मिट्टी में देखिए ज़्यादा खाद नहीं मिली, ज़्यादा खाद मिली होगी तो क्या होगा कि फंगस लग जाएगी, और कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही आप गमलों में लगाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस तरह से, उंगली गड्ढा करके बस इसको लगा दिया। तो जब भी आप इसकी मिट्टी में खाद ना मिलाए ज़्यादा, खाद मिलाने से क्या होता है इसकी जो प्लांट रहता है बहुत नाजुक रहता है, इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, फंगस लगने से बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो जाता है, तो इसी वजह से हमें खाद ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए। और शाम के टाइम आप रिपोर्ट कीजिए 4-5 बजे के बाद, ताकि रात भर प्लांट आपका सेट हो जाए, क्योंकि दिन में अगर धूप आ गई थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से शाम के टाइम आप रिपोर्ट कीजिए। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।